ये वाला क्या लोकेशन है गाइस? इस लोकेशन में उतर के कुछ कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर्स हमने एडवेंचरियस जर्नी है भाई साहब। इस जगह को शूट करना पैदल इट्स सो रेयर। क्या अद्भुत नजारा है यार। दिस प्लेस इज समथिंग हेवन। तो पानी यहाँ से भी निकलती है, तो ये है नर्क की द्वार। जोहार गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं कभी कभी बीच में इंस्टेंट ब्लॉग भी डालता हूँ, तो आप पार्ट्स ऑफ के ब्लॉग्स को देख रहे थे और इस ब्लॉग के बाद कंटिन्यू पूर्व के ब्लॉगों के साथ आप देखने लगोगे। जी बिल्कुल, 178वें दिन के ब्लॉग को आगे आप इंजॉय कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। झारखंड दिखा रहा हूँ सबको, आप सबों का सपोर्ट से स्वागत करता हूँ आपको झारखंड पैदल यात्रा के। आज 178वें दिन है, मतलब सोच करके भी मुझे अजीब लग रहा है, आज 178 दिन हो गए। तो ये रहा मेरा बैग और इस बैग को अभी मैं यहीं पे छोड़ने वाला हूँ और ये झंडा भी, बिकॉज मैं जा रहा हूँ झारखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल में। बिल्कुल मैं बताना चाहूँ आपको, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई बनती है और कई फेज में डाउन होते हैं वाटर जो है वो फ्लो बनती है। तो इस बैग को मैं अभी यहीं पे छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जैसा कि लोग कहते हैं, जंगलों के बीच में लावा पानी वाटरफॉल। तो वहाँ पे बाइक से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उस रास्ते से फिर मुझे वापस भी आनी है और जंगल के इलाके हैं तो शायद पानी में भींग भी सकता हूँ और भींगूँ तो शायद बैग भी। तो चलिए इस बैग को हम यहीं पे रखते हैं और फिर निकलेंगे हम कुछ भाइयों के साथ झारखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल में। तो आप बने रहें। Take the next left onto Lohardaga, Chandwa Road. Continue on. But you are biking the car, आपको भी छोटा सा गेट दिखाया ना, ये एक्चुअली चूल्हा पानी भी जाती है। चूल्हा पानी जो कि दामोदर रिवर का ओरिजिन है। हम जा रहे हैं यहाँ से फिलहाल लावा पानी। ये मैंने सोच के ही चला था कि अगर मैं जब भी इस रास्ते से गुजरूँ ना तो मैं आपको इन पहाड़ों के नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आप इस वक्त महाराष्ट्र में होते तो इन चीज़ों का जो है वीडियो बना करके आपको डाला करते, और अपने झारखंड में है तो उन चीज़ों का आपको कदर नहीं है। ये खूबसूरत से पहाड़ हमारे नॉर्थ ईस्ट से कम नहीं है अपना ये झारखंड का, ये छोटा नागपुर के पठार। देखिए उधर रोपा हो रहा है, रोपा करते देखिए उधर भी रोपा हो रहा है। ये गांव वाली फीलिंग, गाय खेतते खेतते मैं पार हो गया भाई के साथ। वैसे मैंने इनके बारे में आपको नहीं बताया, मैं भी भूल गया हूँ। खैर भैया से पूछिए, नाम क्या हुआ आपका? मन का नाम है। क्या फीलिंग आ रही है इस गांव में आते आते? मैं तो बोलूँगा आपको यार, लोहरदगा से कुछ डिस्टेंस में पड़ती है, हालांकि ऐसे रास्ते भी बन रहे हैं, बट ये जब प्राकृतिक नज़ारे आप देखते हैं ना तो मन खुश हो जाता है आपका। तो आप जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए। पक्षा हाँ, क्या भैया क्या बोल रहे? हम हर महीना आएंगे भैया, अब हर महीना आप आइएगा ना। हाँ ठीक, बड़ा मज़ेदार जगह है, क्योंकि देरी होने से थोड़ा सा और क्लोज जाऊँ और जाकर के आपको इस रास्ते में जो भी घाटियाँ मुझे दिख रही है ना, पहाड़ बड़े से, उसको दिखाऊँ मैं। और ये वाला क्या लोकेशन है गाइस? इस लोकेशन में उतर के कुछ कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर्स हमने क्लिक कर ली, और फोटोग्राफर रहा हूँ मैं तो जाहिर सी बात है ऐसे सुंदर मोमेंट जब आए ना तो बिल्कुल इसको छोड़ने का नहीं है, और खासकर जब हमारे पास एक स्कूटी थी तो ये वाली लोकेशंस में एक अच्छा शूट कर लिया फोटो। भाई क्या ही बोलूँ मैं और जो पंकज भाई थे, हम लोगों ने काफ़ी मतलब परेशानी झेली यार इस गेट को पाने में। एक ऐसे गांव में घूम ही रहे थे 23, 24, 25 बता ही रहा था, आधा घंटे से घूमते फाइनली ये स्वागत गेट मुझे मिल गया लाओ पानी जाने वाला। अब बड़ा मेहनत लगा बीच रास्ते में, जो जो चीज़ें मिल रही खाने की ले, क्योंकि आगे एकदम बहुत सुनसान हो जाएगा और नेटवर्क भी नहीं मिलने वाली है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। चलिए अब हम चलते हैं। पर क्या परेशानी हुई गजब, ड्यू टू ऑल गूगल मैप की वजह से ना, क्या ही बोलूँ मैं। इसमें रोड नहीं हो आगे तो लोहरदगा के भूले बिस्तरे रास्तों से, मतलब हम लोग भूले बिस्तरे थे रास्ते से, हम लोग फाइनली केकरांग जलप्रपात के पास पहुंच चुके हैं जो कि रास्ते में ही है, और ये रास्ते जाते हैं आगे लावा पानी जलप्रपात की ओर जो कि अभी भी 22 किलोमीटर है। मतलब हम लोग जहाँ से घूम रहे थे वहाँ पे भी वही 20 22 25 बता रहा था और अभी भी 22 किलोमीटर है, और केकरांग जलप्रपात बिल्कुल सामने। इस जगह पे एक इतिहास ऐसा बना था कि 1857 ईस्वी में
युद्ध हुए थे इस जगह पे भी थोड़ी बहुत। तो मैं आपको थोड़ा सा केकरांग का जलप्रपात आपको दिखाऊं, ये देखो ऊपर से गिरती है पानी। अभी थोड़ा बरसात के टाइम है बट पानी गिर नहीं रही है, तो जब ज़्यादा पानी होता है तो इस जगह पे देखने से बनती है, मतलब वाटरफॉल यहाँ से फ्लो होते हुए नीचे जाता है और नीचे से आगे बह जाता है। चलिए हम मेजर वाटरफॉल को देखने के लिए चल रहे हैं, तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहेंगे, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। लावा पानी कितना दूर सामना, फाइनली भाई पहुंच गए और इतनी मशक्कत के साथ मैं पहुंचा हूँ ना। पंकज भाई साहब के तो हालत खराब हो गए, कैसा लग रहा है? कभी नहीं चल क्या बोल रही, आवाजें आने लगी है पानी की और उनका मैं राय अभी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो सच में मतलब वही होता है ना कि उब जाना वैसा हो गया, क्योंकि हम लोग ना पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से परेशान है कि कब पहुँचे। वैसे मैं वाटरफॉल के नज़ारे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत वाटरफॉलों में से ये एक है, मैं बोल सकता हूँ सबसे बेहतरीन वाटरफॉलों में से एक नहीं सबसे बेहतरीन वाटरफॉल। ये देखें, क्योंकि इस जगह को शूट करने के लिए ना ड्रोन जो है वो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वाला बहुत खाई में जा करके गिरता है, आप नीचे से जा करके इस वाटरफॉल का मज़ा नहीं उठा सकते। तो इससे बेटर कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँ और एक किसी के ड्रोन शॉट्स जो है वो मैं अभी आपको इस सिनेमेटिक शॉट्स में इंक्लूड करके दिखाऊंगा, इस सिनेमेटिक शॉट्स का मजा उठाइए। पत्थरों में काफी फिसलन है, तो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे नुकसान पहुंचे। और एक फेज अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो टोटल जहाँ से भी ऊपर से गिरती है 14 फेज में टोटल बटी हुई है, ऐसा कहना है कि कुल इसकी जो ऐसी फ्लो है वो 1.5 किलोमीटर तक बनती है। तो झारखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल मैं कहूँगा इसको, या तो इवन इंडिया के, एक ये फ्लो यहाँ पे बनती है, दूसरा फ्लो यहाँ पे है, तीसरा फ्लो यहाँ पे है, चौथा उसके नीचे दिख रही है और मुझे लगता है कि मैं उतना भी नीचे नहीं जा पाऊंगा। तो ये है इसका दूसरा लेयर, चाहे मर्जी तो आप इधर से जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ब्रिज है। तो ये वाली जगह को पार करके मैं समहाउ दूसरी रास्तों पे फॉल के कुछ और भी हिस्सों को देखने के लिए जा रहा हूँ। दिस फॉल इज जस्ट एन अमेजिंग प्लेस, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं झारखंड की किसी और भी सुंदर प्लेस में इससे अच्छी प्लेस में गया हूँगा। ये फॉल का जवाबी आई डोंट हैव वर्ड्स। तो क्या एडवेंचरियस जर्नी है भाई साहब, इस जगह को शूट करना पैदल इट्स सो रेयर, इसको तो ड्रोन से ही शूट करने में अच्छा लगेगा। वो देखो झरने, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, ऐसे घनघोर जंगलों से पैदल चलते चलते आना पड़ रहा है और मैं क्या ही बोलूं। अरे भाई साहब क्या अद्भुत नजारा है यार, मेरा मन तो भयानक खुश हो गया।
दूसरा वाला रास्ता किधर जाने का रास्ता किधर है उसमें? वो साइड से क्या? तो अभी आप लोग कितने लेयर देखे होंगे यहाँ पे? हमें जैसे वहाँ पे एक गिरा, दो, तीन और टोटल सात यहाँ पे देखे आपने। उसके बाद खाई है ना? उसका बाद खाई है। अच्छा, कहाँ से आप लोग? हम लोग किसको से है? किसको किसको से है भाई लोग? चलो अब हम लोग ऊपर चले। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा ना देख के? पूरा मजा आ रहा है। हाँ गाइस, धूप उग गई है। हमने सोचा था कि बारिश होगी, इसकी वजह से मैं बाइक से आया। और क्या ही जगह देखा है भाई, ये क्या ही जगह है यार, गजब। अगर आपने अभी तक नहीं आया तो इस जगह पे, इस खूबसूरत जगह पे जरूर आओ। इस जगह पे शूट करने के लिए ड्रोन चाहिए लिटरली। चलो अब हम चलते हैं दूसरे जगह पे। ओह माय गॉड, लिटरली दिस प्लेस इज समथिंग हेवन। स्वर्ग में आपका स्वागत है। इधर है स्वर्ग और ये साइड है नर्क। अगर गिर गए तो आप नर्क में गए। एक और मजेदार जगह दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, पानी यहाँ से भी निकलती है। तो ये है नर्क की द्वार। जो पूछो, भगवान ने बड़े फुर्सत में इस वाटरफॉल को बनाया। लिटरली इतनी खूबसूरत वाटरफॉल पूरे झारखंड में नहीं है। और एक होता है ना कि आप नीचे से देख पाओ इस वाटरफॉल को, नहीं, ये सिर्फ भगवान ही देख सकते हैं। या फिर अगर आप ड्रोन लेकर के आए तो ये वाला यहाँ से फर्स्ट दिख रहा है, दूसरा ये वाली है जो इसके नीचे जाती है, फिर तीसरी उसके जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाई, चौथी उसके नीचे, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करते करते ऊपर से ना जाने कितने फॉल को, फेज को पार करते हुए आई है। कहते हैं इसको 1.5 किलोमीटर ऊंची है ये ऐसे, क्योंकि इस एरिया को पार करके गया था। तो इस एरिया को पार करते हुए लगभग पार कर ही लिया। उधर जाऊंगा और कुछ जो भी मुझे लेकर के आए और मेरे साथ आए उनके साथ मिलूंगा, उनकी अपनी एक्सपीरियंस क्या है इस जगह को लेकर के वो बांटूंगा आपके साथ। और मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ कि आप झारखंड के इस खूबसूरत से पर्यटन स्थल में जरूर आएं। जितना बार भी देखो ना उतने बार कम पड़ती है इसकी खूबसूरती। क्या मस्त लग रहा है ये वाला जगह। और अब तो धूप भी उग गई है शाम के वक्त, सनसेट के टाइम, थोड़ा मजा भी आ रहा है। एक वैसे जगह को दिखाने तो मैं भूल ही गया। ये देखो, भगवान शिव जी की स्वतः यहाँ पे जो प्रतीक है शिवलिंग, वो उठी हुई है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हाँ, तो अब यहाँ जाने का वक्त आ गया है। भैया लोग आएंगे बस, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा। अब इस सुंदर जगह को बाय बाय। मन लग गया यार मेरा यहाँ पे। तो सनसेट अब होने को है कुछ देरी में, तो अब मैं चला यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दूर से मैं आया हूँ और इन सब के साथ आया था। थैंक यू सो मच आप लोगों का। इनका पहली टाइम है, आपका? आप तो लोग जगह से ही ना, बहुत बार आ चुके हैं। पीछे वाले भैया भी बहुत बार आ चुके हैं, तो ये लोग सिर्फ मेरे लिए आए थे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। झारखंड की इस संस्कृति और यहाँ के खूबसूरत स्थल को दिखाने में इनका जो योगदान रहा। बाकी मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, ये वाला प्लेस जो है ना मस्ट विजिट प्लेस है। बाकी आप साफ सफाई बनाए रखें जब भी आए। मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में लौट दगा के ही, किसी खूबसूरत पर्यटन स्थल से या फिर किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं जल्दी। जोहार झारखंड, जोहार भारत।